हीलर साहब आ गए रहे। हीलर साहब कैसे हैं? ये क्या है? पान खा रहे थे सर। कई के पान बना रसवाल, बंद खुल जाए बंद अकल का ताला। वाह वाह वाह, ताला तो खुलते ही। क्या बात है हीलर भाई। यार देखें, आप आए हैं, आपकी अब मैंने पुंगी बजानी है। बजाओ बजाओ बजाओ। उसकी वजह यह है हीलर भाई, यार आपसे हमेशा आप ना, मुझे लगता है कोई फ्रीज्ड किस्म का नहीं, कोई मरीज होता फ्रीज्ड, बर्फ में लगा हुआ। यार आप मुझे बताओ, इतनी इज्जत, इतने प्यार से हमेशा आपके साथ बात होती है, आप जवाब, आप सवाल का जवाब क्यों नहीं देते यार, मुझे ये बताओ। कौन से सवाल का जवाब नहीं दिया आपका, बताओ। कोई सवाल आप पूछो, आपको किस सवाल का जवाब नहीं दिया हमने? अब बताऊंगा आपको, कोई सवाल पूछो। चलो सवाल पूछो आपको, आप चलो सवाल पूछो, चले आपसे पूछ लेते हैं। ये सवाल ले लें ऋग्वेद का, पढ़े। एक सेकंड, देखो सब ऋग्वेद के अंदर बताइए क्या है ये, पढ़ लें हैं आपके सामने। पदार्थ, मैं वैदिक हेरिटेज खोल लूं सर ऋग्वेद की, आप बताओ, उससे आइडिया लग जाएगा। देखो क्या है ना, किसी दूसरे का इंटरप्रिटेशन करने से अच्छा मैं डायरेक्ट खोल लेता हूँ, आप बताओ कौन सी आयत है, बताइए। ऋग्वेद मंडल 10 है, सूक्त 85, मंत्र 30 सॉरी। मंडल 10, मंडल 10, मंडल 10, सूक्त 85, सूक्त 85, 85। सूक्त 85 और मंत्र है लंबा है, क्या हो गया? मैं खोल रहा था सर ऋग्वेद का ही। अच्छा 85 वाला पता नहीं खोला कि नहीं खोला। हाँ बताओ सर, सावित्री सूर्य ऋषि का वाला क्या है इसमें, बताइए। यार ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर जो वर है वो वधू या भारिया, जो भारिया होती है वो भारिया जो है उसके वस्त्र को अपने शरीर के साथ लगाएगा, छूने से रोगी हो जाता है। यानी कि जो मेंसुरेशन में वुमेन है, अगर उसके कपड़ों को अगर आप किस तरह से लगाते हो तो हो सकता है कुछ डिजीजेस की प्रोबेबिलिटी है, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, हाँ ठीक है, रोगी हो जाता है मेंसेस के कपड़ों को नहीं, जिस में, जो मेंस्ट्रुएशन में जो भारिया है या वधू है, जो स्त्री है, उसके कपड़ों को, उसके कपड़े अगर वर के शरीर को लग जाएंगे तो उससे वो रोगी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज हैं सर, जैसे क्या होता है जो मेंसुरेशन में जो डिस्चार्ज होता है वुमेन का, उसमें कई सारी चीजें ऐसे होते हैं कि अगर आप उस टाइम पे सेक्स करो तो उसके अंदर इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज हैं। आप उसको हाथ में लगा कर खाना खा लो, अगर उस कपड़े से आप छूके, तो पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा नहीं कि कोई आपको हो जाएगा, जैसे आप ठंडा पानी पी लो तो गला खराब होने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं। मगर यहाँ जो जो समझ ले अनुवाद किया गया है या भावार्थ हमारे सामने आया है, वो पॉसिबिलिटी को नहीं दर्शाता, वो ये कहता है हो जाता है। बिल्कुल सर, मतलब ये मान के चलिए हो जाता से मतलब ये नहीं है कि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका गला खराब हो जाने की संभावना है, हो जाता है। अगर आप गलत तरीके से पी लें, कभी पहले इस तरह की पॉसिबिलिटीज होती है, ऑब्जर्वेशनल है सारी चीजें। मगर तो मुझे ये प्रॉब्लम बताइए। हाँ मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, कपड़ों का स्पर्श हुआ है उससे कहाँ है, मुझे नहीं समझ आती। एक लड़की ने कपड़े पहने, मिसाल के तौर पर आज महिला है, ठीक है, महिला है, उसको वो रजस वाला हुई, उसके जो कपड़े हैं वो अगर मर्द की बॉडी से छू लेते हैं या मर्द उसको छू लेता है, उससे बीमारी हो जाएगी, ये कहां का कोई ताल्लुक है? चले इंटरकोर्स की बात होती, मुझे बात समझ आती है, स्पर्श से कैसे बीमारी लग सकती है?
स्पर्श से मतलब सर गंदी चीज को अगर हाथ हाथ लगाए सपोज, मतलब ये जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कोई ऐसी कोई नहीं गंदे कपड़े नहीं मतलब, गंदे कपड़े नहीं गंदे कपड़े तो नहीं, एक साड़ी पहनी है लड़की ने, नीचे उसने अपना वो पहना हुआ है पैड वगैरह। अगर मेंस्ट्रुएशन से लगी हुई किसी चीज को आप छुए हैं तो उसको बहुत अच्छा नहीं मानते सर, उसको लेके खाना खाना, उसको लेके मुंह लगाना या कोई भी चीज करना सही नहीं मानते, जनरल तो हाइजीन की बात है। मगर यहाँ मेंसेस लगे हुए कपड़े की बात नहीं हो रही, रजस वाला स्त्री की बात हो रही है, यानी रजस वाला वस्त्र की बात नहीं हो, रजस वाले वस्त्र की बात नहीं हो रही। ऐसी स्त्री जिसको रजस आया हुआ है उसने दूसरे वस्त्र पहने होते हैं, उन वस्त्रों के अंदर तो रजस नहीं होगा ना, वो तो पाक, यानी ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के अंदर जितनी लड़कियों को रजस आता है उनके सारे कपड़ों पर खून लग जाता है, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ तो फिर इसके इंटरप्रिटेशन वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं सर, बताइए खोल लीजिए। मैं एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा एग्जैक्टली वर्ड क्या है, बट जनरली ये इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जैसे रजस में कोई औरत है तो आप उसके संग सेक्स को अवॉइड कर रहे हैं, आप उसकी चीजें थोड़ा सा दूर रखें, उनको भी हाइजीन की वो होती है। पहले जमाने में क्या होता था, पैड वैड से होते नहीं थे तो औरतों को जनरली ये रहता था हमारे यहाँ पे कि भाई अपना एक कमरे में रहें और थोड़ा सा साफ सफाई का ख्याल रखें, पब्लिक इंटरेक्शन थोड़ा एडवाइज नहीं हो रहा था उनको। देखिए वो आपकी बात सुना हुआ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है अगर आपने सुनी हो हमारे यहाँ पे, एक द्रौपदी का और वो चीरहरण का भी आपने सुना हो महाभारत में हुआ था, तो उसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात ये थी कि उस टाइम पे उसका रजस चल रहा था, तो उस टाइम पे किसी औरत को ऐसे लाना, उसको बाहर निकालना, उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे बताया गया कि उस तरह की स्त्री को उस मोमेंट पे उन स्त्रियों से आप कोई बदतमीजी ना करें, कोई इस तरह का ना करें, क्योंकि खाली हाइजीन नहीं बट थोड़ा अपमानजनक भी माना जाता है। संयमी बनने के लिए इस तरह के एडवाइस है, और इसके कोई और इंटेंशन तो मुझे लगता नहीं कोई और इंटेंशन होगा इस बात का। ये वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आपके सामने पधारते हैं, ये पढ़े आपके, ये आपके सामने स्क्रीन पे। उस रजस्पान अशुद्धि में अश्लील पति की देह पीड़ा देने वाली हो जाती है, ठीक है, पति वधु भार्या के वस्त्र से अपने शरीर को लगाना छूना चाहता है। ये मसला है, रजस वाला का स्पर्श पति को नहीं करना चाहिए, इससे उसके देह दुखदायी रोग बन जाती है। हाँ, रजस वाला का स्पर्श यानी रजस वाला ठीक, थोड़ा इंडिकेशन जो है ना सर, देखो ऐसा नहीं है कि उसे देखना नहीं चाहिए या टच नहीं करना चाहिए, आइडियली इट मींस कि उस टाइम पे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, इट इज पॉसिबिलिटी। मुझे भी ये लगा था, कंडोम वगैरह तो होते नहीं थे उस टाइम पे, यानी मुझे ये लगा था, मुझे ये लग, अच्छा एक मिनट सॉरी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि रजस वाला के अंदर इंटरकोर्स कर सकते हैं कंडोम पहन के, ये कहना चाह रहे हैं सनातन धर्म के अनुसार? आज के टाइम पे तो सर देखिए बहुत सारे हमारे यहाँ पे सब धर्म क्या करते हैं लोग, मतलब नहीं है, नहीं नहीं हीलर भाई ये गलत बात है, ये दिस इज डिस्गस्टिंग। मैं आपसे आपका पूछ रहा हूँ, आप सब धर्म वालों के ऊपर ना डालें, मैं पूछ रहा हूँ सनातन धर्म की ज्यूरिसप्रूडेंस में, उसकी फिलॉसफी में, क्या रजस वाला स्त्री के साथ उसका वर कॉन्डम पहनकर इंटरकोर्स कर सकता है? सर देखो कॉन्डम तो उस टाइम हो नहीं सकते थे, इसलिए उस टाइम पे वर्जित है। आज का पूछ रहा हूँ, अगर आप ये प्रैक्टिकली पूछो तो ये वर्जित होता है कि कॉन्डम के जो पीरियड्स में होती है तो उन औरतों के साथ नहीं करा जाता। मुझे भी ये लगा था जो आपने बात की है कि स्पर्श का अर्थ यहाँ पर संयोग से या इंटरकोर्स से होगा, संभोग से होगा, यानी संयोग ये संभोग करने से, इंटरकोर्स से, मगर यहाँ पर वस्त्र आए हैं, वस्त्र में संभोग नहीं होता, वस्त्र के स्पर्श। नहीं सर देखिए नीचे भावार्थ लिखा है, रजस्वला का स्पर्श, नहीं मैं लिटरल मीनिंग पति को नहीं करना, भावार्थ जो है ना वो उसको मफहूम को समझाने के लिए बात की जा रही है, अदरवाइज जो लिटरल मीनिंग है उससे पता चलता है कि वस्त्र भी अपवित्र या शुद्ध होते हैं, ये मैं आप समझना चाह रहा हूँ कि शरीर या इंटरकोर्स करना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे भी यही समझ आई थी कि इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, वो बात ठीक है, मगर जब वस्त्र आए हैं ना बीच में, वहां से मैं सनका हूं कि ये क्या चक्कर है। देखिए इसमें ये है कि जब पति इस तरह के वस्त्रों से अपने शरीर को छूना चाहता है, लगाना चाहता है, तो वो गलत है, बस इतना इंटरप्रिटेशन है। किस तरह के जब किसी वस्त्र पे कोई इस तरह का वो गिरा हुआ हो या कुछ इस तरह की चीज पड़ी हुई हो, उसको अपने शरीर से नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं यहाँ लिखा,
ये यहाँ नहीं लिखा। तो देखिए जब पति वधु वाला के वस्त्र से जी अपने शरीर को लगाना छूना चाहता है सपोज जी, तो वो चीज इज नॉट राइट। इसमें तो मतलब कोई कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रिलीजियस बात भी नहीं लग रही मुझे तो। है इसमें, मैं बता रहा हूं क्या है, रजस वाला रजस के वस्त्र से नहीं, वधु के वस्त्र, दो वस्त्र होंगे, फर्क समझे। मिसाल के तौर पर एक अंडरगार्मेंट्स है और एक है अपर गार्मेंट्स। अंडर गार्मेंट्स और अपर गार्मेंट्स दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। आप हो सकता है किसी के पेंट को या शर्ट को पकड़ लें, मगर नॉर्मली अंडरवेयर को या किसी के ब्रा को वो बंदा फेंकता, दूर करता है, क्योंकि वो लगता है कि भाई ये गंदे हैं, नहीं अच्छा लगता। इसीलिए हम ये बुरा मानते हैं कि कोई अंडरवेयर मुंह पर पहन दे, ठीक है ना, जैसे एडम सीकर ने पहना होता है। हम इस चीज को अच्छा नहीं समझते अंडरवेयर मुंह पर पहनते, टारगेट लगा के भी तो पहनता है कि टारगेट लगा हुआ होता है उस पे। हाँ वो मेरे तीर, हाँ वो मेरे तीर को आवाज दे रहा होता है कि मुंह में डालो। अच्छा खैर इसको छोड़ते हैं। अब ये है कि वस्त्र, स्त्री का जो वस्त्र है वो बाहर का कपड़ा है जो वो पहनती है, उसके साथ शरीर। अब जो अंदर है रजस का, उसकी बात नहीं हो रही यहां, कहीं भी उसकी बात नहीं है। स्त्री के वस्त्र है, भार्या के वस्त्र है, ये बात है। मैं इससे मैं, ये है असल मसला अगर आप समझे तो। देखो 85 के अंदर सर, पहले तो मैं कई सारी चीजें देख रहा था 85 के अंदर, सोमरस इंद्रवती। 85 का कौन सा क्लॉज है, उसके कई सारे इंटरप्रेशन है, तो मेरे पास खुला हुआ है वैदिक हेरिटेज, मैं ढूंढ नहीं पा रहा एग्जैक्टली इसको आपने कहां से उठाया। तो मैंने क्लियर नहीं बता पाता आपकी बात को मैं। हाँ मैंने इसको उठाया है वैदिक स्क्रिप्चर से, मुझे एक ही हिंदी का ये भावार्थ मिला है, हिंदी का एक ही, और किसी ने नहीं किया। मैं वैदिक यानी वैदिक स्क्रिप्चर्स में जी। तो मेनली मतलब जहां तक मैं समझता हूँ आपकी बात का, इसका कोई बहुत मजेदार बात तो इंटरप्रेशन नहीं, कोई और भी मजेदार बात हो तो आप करो, मतलब करते हैं उस पर डिस्कशन। और क्योंकि इस पर तो जनरली भाई ये गंदा कपड़ा है, उसको अवॉइड करना चाहिए, चाहे छूना हो चाहे उसका यूज करना हो। तो मतलब इसमें और कुछ आप ठीक समझते हो तो बताओ, मतलब मैं तो इसका नहीं समझ पाता। नहीं वो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसका अगर उत्तर मिल जाता तो वो ठीक था, चले कोई बात नहीं। अच्छा मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, बोलिए साहब। ठीक है, गंधर्वा विवाह जो है जी, आप उसको कैसा समझते हैं? देखो सर, विवाह का मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, अपना मनी लेके उसको आपने लंबा क्यों, मुझे पता है विवाह आपके नजदीक क्या है, आई नो वेरी वेल नो, ठीक है। मैं हमेशा हीलर भाई आपके साथ, मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं रोकता हूँ, आप इसमें बिल्कुल भी गुस्सा ना कीजिएगा। मैं रोकता इसलिए हूँ, मुझे जानकारी है सनातन धर्म में विवाह कैसे होता है, कितने प्रकार के विवाह हैं, 8-9 प्रकार के विवाह हैं, मैं समझता हूँ। और उस विवाह के अंदर किस तरह क्या क्या उसकी उसके पीछे फिलॉसफी क्या है वो मैं जान। गंधर्वा विवाह सिर्फ स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, गंधर्वा विवाह अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें वो भी कीजिए, हाँ इसको कीजिए, विवाह नहीं, गंधर्वा विवाह। मैं लिविन को भी कर दूंगा सर उसमें, अगर आप उसे लिविन से कंपेयर करो तो लिविन को भी कर दूं आपका हो तो। नहीं नहीं नहीं, मुझे मैं आपसे पूछ रहा हूं, गंधर्वा विवाह सबसे पहले आप सुन लें, आपने इसको फोकस करना है। अगर आप इससे इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको रोक कर कहूंगा हीलर भाई डायरेक्ट हो जाए, रीडायरेक्ट करूंगा। नंबर वन, गंधर्वा विवाह को डिफाइन करना है, ठीक है, नंबर वन। नंबर दो, इसकी रूलिंग बतानी है, आप क्या समझते हैं गंधर्वा विवाह ठीक है या गलत है, ये मेरा आज का प्रश्न है आपके लिए जी। अब बात करें, ठीक है सर, गंधर्व विवाह का मतलब होता है कि आप अगर परिवार वालों की सहमति के बिना, अगर वर और कन्या जो होते हैं, पति पत्नी जो बनना चाहते हैं, बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेते हैं, उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। हमारे रीति रिवाज से मतलब है कि बहुत ज्यादा कोई आपने पॉम्प एंड शो नहीं किया, इंटरनल कमिटमेंट किया। अगर आपने अग्नि के चारों फेरे ले लिए, जिसको भी आप सेक्रेड मानते हो, चाहे धागे को, चाहे किसी मंदिर के अंदर, चाहे किसी भी जगह, अगर आपने एक कमिटमेंट किया कि हम दो लोग आपस में हस्बैंड वाइफ रहेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तो उसके लिए मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कमिटमेंट, कोई मॉनेटरी कमिटमेंट इसकी जरूरत नहीं है। ये दो लोगों की सहमति के साथ में, अगर वो सेक्स करना चाहें और रहना चाहें, उसकी परमिशन है।
ये तो एक गंधर्व हो गया, गंधर्व से भी नीचे का भी वर्जन होता है सर। एक नहीं 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 मैंने मैंने इसलिए रोका है। हाँ ठीक है, यहाँ तक गंधर्व विवाह की डेफिनेशन आपके अनुसार आ गई, अब आपने मुझे बताना है ये ठीक है या गलत है। सर देखिए, पहली बात तो देखिए ये कोई इस्लाम नहीं है सर, पहली बात मेरा आप इसको थोड़ा सा टोकूंगा, क्योंकि देखिए हर चीज हलाल हराम इस हिंदू रिलीजन में नहीं, नहीं, मैं नहीं हलाल है। हराम नहीं पूछ रहा हीदर भाई, देखे ना फिर वही बात हो गई। मुझे पता है कि सनातन धर्म के अंदर हलाल और हराम मानते ही नहीं है किसी चीज को, ठीक है ना, हर चीज ही खा पी जाते हैं, हर चीज ही छोड़ देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। जिसका दिल करता है वो खोपड़ियां टांग लेता है, जिसका दिल हलाल हराम के कॉन्सेप्ट को ही गलत मानते हैं, गलत सही के कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। अब इससे पूछो इसके रिपरकशन और नॉन रिपरकशन क्या है। मैं आपको ये हमारे यहाँ हलाल हराम का ठीक है, मैं आपसे ये पूछने लगा हूँ, सुने जरा, मैं हलाल हराम नहीं पूछ रहा, आप गंधर्वा विवाह को कंडोन करते हैं या कंडेम करते हैं, हलाल हराम नहीं, क्या कहते हैं? मैं दोनों में से कुछ भी नहीं करता सर, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी प्रथा है और आने वाले टाइम पे वो हो भी रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। इसको लिव इन का एक फॉर्म कह लीजिए आप, ये लिव इन रिलेशनशिप्स का एक फॉर्म है गंधर्व विवाह, आज हमारे यहाँ प्रिविलेंट है, गवर्नमेंट ने भी इसको एक्नॉलेज किया है और काफी राइट्स दिए हैं इसको लेके, बट उसके कुछ प्रोटोकॉल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट की, गंधर्व विवाह और लिव इन उसको एक चीज कह लीजिए कि किस तरह से उसको एक नॉर्मल सोसाइटल फॉर्म में रखा जाए, इसके लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, अभी कुछ लॉज भी बने हैं इसको लेके। हमारे यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप जो पति पत्नी के बीच में है, चाहे वो गंधर्व के फॉर्म में हो चाहे वो लिव इन के फॉर्म में हो, अगर वो दो लोगों की सहमति से समझदारी से अगर कुछ पैरामीटर्स फॉलो करते हुए कि वो एडल्ट हैं, तो उसको हम बिल्कुल जायज मानते हैं सर। थैंक यू। अब मैं आपका टेक लेने लगा हूँ एक सवाल के ऊपर, ठीक है, और दर्शकों जरा थोड़ा दृष्टिबाज की तरह चुकने रहिएगा, ठीक है। ये आपके सामने स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। मैं दोस्तों आपने देखना जरा क्या होता है ना, यानी इनकी स्टेटमेंट क्या है, ये संस्कार विधि है स्वामी दयानंद सरस्वती की, ठीक है जी। इसमें सफा नंबर है 140, ऊपर देखें क्या लिखा है संस्कार विधि में। इन चार विवाहों से जो बाकी रहे चार, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, इन चार दुष्ट विवाहों से, दोष्ट विवाहों से उत्पन्न हुई संतान निंदित, निंदित कर्मकर्ता, निंदित कर्मकर्ता, मिथ्यावादी, वेद धर्म के दोषी, बड़े नीच स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए मनुष्यों को चाहिए, योग्य है कि जिन निंदित विवाहों से नीच प्रजा होती है उनका त्याग, और जिन उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा होती है उनको किया करें। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आर्या समाज का टेक तो ये है कि गंधर्वा विवाह से जो संतान उत्पन्न होती है वो नीच होती है, कुकर्म करती है, मिथ्यावादी होती है, वेद धर्म की दोषी होती है, और अगर हमारी जुबान के अंदर कहें, ताकि मैं अपनी पब्लिक को समझा सकूं, कि हरामजादी होती है। जी सॉरी, बुरा मत मानिएगा जी, समझा दें जी सर, सॉरी, आर्य समाज कह रहे हैं जी। देखिए सर, इनका हर कोई बात नहीं, आर्य समाज के अपने थोड़े रिजिडिटीज हैं, आर्य समाज भी जो एक तरह से आप मान के चलिए जो एक समाज है या कल्ट है जैसे भी आप कहते हैं, इनकी अपनी एक बड़ी एक कंस्ट्रेंट फिलॉसफी है, जैसे कहते हैं कि बड़ी ही एक टिपिकल किताब पे चलते हैं लोग भी, काफी हद तक ये आपको काफी पसंद आएगा क्योंकि देखिए ये लोग भी एक किताब के हिसाब से मुझे पसंद, मुझे नहीं पसंद उन्होंने आपके मतलब आइडियोलॉजी से, मेरा मतलब आमिर भाई क्या होता है ना, देखिए अभी आपकी जो सोच है वो ये है कि किताब के थ्रू ही एक जीवन का निर्वाह होना चाहिए, तो इनका भी काफी हद तक वही वो है कि भाई वेद की किताब के थ्रू निर्वाह होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो हम हिंदू सॉरी दर्शकों दृष्टि बात की तरह चुकने रही है जी हीदर भाई जी, देखिए हम हिंदू हैं, हिंदू के अंदर में सनातन, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये भी आता है, आर्य जो आर्य समाज है, ब्रह्मो समाज भी आता है, सारे काफी सारे रिलीजन हैं जो नॉन बुक बेस्ड रिलीजन हैं, उसको हम लोग खास तौर पे मतलब काफी सपोर्ट करते हैं और सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हुए भी रहते हैं, सब में थोड़ी थोड़ी चीजें डिफरेंसेस हैं। आर्य समाज एक तरह से काफी हद तक वेदों पे ही बेस्ड है, वेद में ये प्रकार दिए गए, चार नहीं आठ प्रकार के शादी होती है हमारे यहाँ पे, आठ तरह के विवाह हैं, उसमें से ये जो तीन विवाह हैं, जैसे एक आपने सुना हो कभी कि आपने किसी को गुलाम बना के सेक्स कर लिया, या राक्षसी लिखा है, पिशाच लिखा है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है,
इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आपका टेक आ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर्य समाज का ये अपना पक्ष है, आप उससे सहमत नहीं है, ठीक है ना? नहीं सर, मैं सहमत बिल्कुल हूँ, मैं इसमें ना सहमति भी नहीं कहना चाहूंगा। देखिए ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में वापस शेयर करता हूँ। देखिए दो तरह की मैरिज है, अगर आप हमसे पूछेंगे तो एक मैरिड लाइफ है, एक लिव इन लाइफ है, एक विदाउट लिव इन विदाउट मैरिज है। सॉरी हीलर भाई, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी यार, ये नीचे एक भाई है वो बार बार किसी दूसरे चैनल की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हम दूसरे चैनल चूनल प्रमोट ना करें मेरा भाई है, ये ना हो आप ब्लॉक हो जाएं फिर अच्छा नहीं रहेगा। मैं आपका कमेंट हटा रहा हूँ, आप देखते हैं कि फिर करूं गोली मारे, कौन कहां बैठा हुआ है, उन्हीं की तो पुंगी बजा रहा हूं मैं स्वामी टिड्डल को ही तो लिटाया हुआ है यहां पर, हम जब उनके गुरु को लिटा लिया है तो वो क्या है जी। इधर भाई कैरी ऑन प्लीज, सॉरी किसी और की बात है। आर्य समाज हमारे में एक अपने ही समाज है, जैसे कि सपोज आपके यहाँ कायद्यानी हो गए, इस तरह का एक समाज है जो अच्छी फीलिंग के संग करता है, उसका वेदा बैक टू वेदास का धर्म है, तो वेदास के हिसाब से। इधर भाई एक बड़ा प्यारी बात आपने की, आर्य समाज ऐसे है जैसे हमारे यहाँ कादयानी है, आपने ये बोला ऐसे ही है, ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। हम कादयानियों को नॉन मुस्लिम काफर समझते हैं, आप आर्य समाजियों को नॉन सनातनी समझते हैं? बिल्कुल सर, नॉन सनातनी है आर्य समाजी। अरे सर देखिए आप एक बात समझ, सनातन जो है यानी सनातन यानी मिसाल के तौर पर, मैं सुने आप जब तुलना करेंगे ना, इसीलिए मैंने आपको जब तुलना करेंगे तो फिर तुलना पूरी होगी। अब सुनना मैं बिल्कुल, हम कादयानियों को सुने जरा, हम कादयानियों को हिंदी शब्द के अंदर सुनिएगा, हिंदी शब्दों में हम कादयानियों को अधर्मी पापी नास्तिक निंदत उनको मानते हैं, वो निंदत है, ठीक है? आप क्या आर्य समाजियों को ऐसे ही मानते हैं? प्लीज तब आप कहें कि तुलना कर। मैं बिल्कुल तुलना करूंगा सर, मेरे हिसाब से देखिए जो आप अपना व्यू लेके चल रहे हैं ये बहुत ही अच्छा व्यू नहीं है एज अ ह्यूमन बीइंग। देखिए आपके ही धर्म से एक ऑफशूट है जो कादयानी है, उनके अपने थॉट प्रोसेस थोड़े से डिफरेंट है। मेरी बात सुने अब आप दिफा देखो चेक करो, बिल्कुल नहीं मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूं दोनों का। नहीं आपको नहीं पता ना कादयानी, अभी आपसे पूछूंगा कादयानियों के बारे में आपको नहीं पता, आपको आर्य समाजियों के बारे में पता है, आपको नहीं पता के बारे में भी मुझे उतना ही पता है जितना बस आर्य समाज के बारे में पता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो फिर इसका मतलब है आपको नहीं पता। बुत करें आरजू खुदाई की, शान है तेरी किबरियाई की, मसला यहाँ ये पड़ गया है, इनको पता ही नहीं है कि कादयानियों के बारे में मुत्तफिका इजमाए उम्मत है। इजमाए उम्मत मतलब ये है कि आप किसी एक मुसलमान को भी पूछोगे ना, किसी एक मुसलमान को भी कादयानियों के बारे में, मुसलमान से पूछता हूँ मैं अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में रहते हैं ना, वो कहते हैं कि डिफरेंट तरह के लोग हैं, इनका अपना एक बिलीफ है, वो कादयानी को अपना मसीहा भी मानते हैं, बट वो भी मुसलमान है हमारे। हैं कौन बोलता है मुसलमान है, कौन है, कौन बोलता है? काफिर नहीं कहते सर, काफिर नहीं कहते, देखो काफिर एक अलग है, उसे जो बोलता है ना काफिर जो बोलता है जो अल्लाह को नहीं मानता। मुझे विश्वास नहीं आप पे, मुझे आप पे विश्वास नहीं है, जो मुसलमान जिस मुसलमान ने कादयानियों को मुसलमान बोला है ना उसको लेके आए हमारे सामने सर, बाकी टॉपिक से मैं हटने नहीं दूंगा, टॉपिक से मैं हटने नहीं दूंगा, वापस आप सुन ले। आप हम कादयानियों को ये मानते हैं, मुझे दो टोक बताइएगा, मुझे दो टोक हीलर भाई, मैं बस मेरी बस हो गई हुई है आपसे बात करने के लिए, मैं सही बता रहा हूँ। आप मजे से पान खा रहे हैं और बस जो दिल में आ रहा है बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। या तो पान मुझे भी खिलाएं ताकि मुझे भी मजा आए। अच्छा आपको बनाना पड़ेगा हमारे पान खाने के लिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा सुने, मैं अब आपसे ना यस और नो में पूछने लगा हूँ कि आप क्या ये समझते हैं कि नहीं। मैं कादयानियों को, क्योंकि हम दोनों की बात हो रही है, छोड़ें कौन क्या कहता क्या नहीं, मुझे आपने कहा कि कादयानी ऐसे हैं जैसे हम आर्य समाजी ऐसे हैं जैसे आप क्या कहते, हम कादयानियों को अधर्मी मानते हैं, नास्तिक मानते हैं, निंदित मानते, पापी मानते हैं, नास्तिक, ये सारी चीजें मानते हैं, और कुरान के विरोधी मानते हैं। अब मैं आपसे यस और नो में पूछ लगाऊं, क्या आप आर्य समाजियों को यही मानते हैं? मैं दोनों में से किसी को ऐसा नहीं मानता, ना कादयानियों को। मैंने आपसे जो पूछा है आपके धर्म के बारे में पूछा है। नहीं, मैंने दोनों को बताया सर, मैंने आपको बताया दोनों, हम इस तरह से किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, ये तो छोड़ो आप, हम आपको भी नहीं ऐसा मानते, आप भी हमारे भाई हो। टेक केयर, थैंक यू मेरा भाई, बहुत शुक्रिया हीलर भाई, थैंक यू सो मच, क्योंकि बात आप नहीं, आप बात ही नहीं करना चाह रहे, आप इसका मतलब नहीं मानते आप नहीं मानते आर्य समाजियों को कहे ना, आप नहीं मानते ना आर्य समाजी को सर, आर्य समाजी आप समझो ना, हम किसी धर्म के व्यक्ति को ऐसा नहीं मानते, तो आर्य समाजी को क्यों मानेंगे ऐसा हम,
जब आप आर्या समाजियों को उस जगह पर नहीं मानते जिस जगह पर एक मुस्लिम कादियानी को आपके सामने बैठकर मान रहा है, फिर आप उसके सामने ये नहीं कह सकते कि आर्या समाजी ऐसे ही है जैसे आपके यहाँ कादियानी है। हीदर भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, चलो थैंक यू सो मच। हीदर भाई हमारे साथ थे, हमेशा की तरह गपोड़बाजी से इन्होंने काम लिया, हमेशा की तरह इन्होंने गोल गोल घुमाया और हमेशा की तरह इन्होंने फॉल्स इक्विवेलेंस का मुजाहरा किया। जब मैंने पूछा कि क्या आप आर्या समाजी, देखें बात करना बड़ा आसान है कि आर्या समाजी ऐसे ही हैं जैसे हाँ आपके कादियानी हैं, तो फिर मानो उनको उस तरह जिस तरह हम मानते हैं। अच्छा जब मैंने कहा कि हम ऐसे मानते हैं, नहीं नहीं मैं अपना मानता हूं, मैं नहीं मानता उनको। भाई आप कौन है, हमने इस्लाम के बारे में आपसे तो नहीं पूछना ना हीलर भाई, आप कुछ भी मानते रहो, हमारा आपसे क्या लेना देना। कहते हैं जी मैं नहीं कादियानियों को ऐसे मानता, तू कौन, मैं खामखा पता है कादियानियों का नहीं, मुझे पता भी कोई नहीं, तो फिर क्या करें। आपकी वर्थ और वैल्यू क्या रहेगी इस विषय के ऊपर जब आपको पता ही नहीं है कि उनके अकायद क्या है या वो मानते क्या है या क्या नहीं मानते। ठीक है, ये फर्क समझना है।